नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं एवरीथिंग विल बी फाइन का थर्ड पार्ट रिलीज़ करने जा रही हूँ। और इस पार्ट में एग्जैक्टली जो मैं एक्सप्लेन करूँगी वो सेकेंड चैप्टर होगा फैन फिक्शन का। अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट ही चैप्टर जो है वो ख़त्म किया है और इसमें मैं सेकेंड चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है अगर आपका मन नहीं है तो। ठीक है, आप बस स्टोरी एंजॉय कीजिए। कहानी की शुरुआत में लान वांजी के विचारों को बताया गया है। वीइंग, वीइंग, तुम क्यों मर गए वीइंग? मैंने अभी तुम्हें बताया तक नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ वीइंग, वीइंग। लान वांजी उस व्यक्ति का शोक मना रहा था जिसे शायद वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। फिर वह खड़ा हुआ और उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला। वह वहां जा रहा है जहां वह अपने प्यार को महसूस कर पाएगा। और फिर लानवांजी अपनी तलवार पर खड़ा हुआ और उस दिशा की ओर उड़ने लगा। बरियल माउंट। लानवांजी बरियल माउंट पर पहुंचने पर अपनी तलवार से नीचे उतरा और वह पहाड़ की उस चोटी की तरफ बढ़ने लगा जहां पर कभी यीलिंग पैट्रियार्क की गुफा हुआ करती थी। लानवांजी वीइंग की गुफा के अंदर और वीइंग की चीजों को छूने लगता है जो अभी भी वहां पर कुछ उपस्थित थी। उसके कपड़े, उसके कागज, उसकी इंक, सब कुछ फैला हुआ था, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है जैसे वो यह दिखा रहा हो कि यहाँ पर कोई रहता था। फिर उसने एक आवाज़ सुनी, एक बहुत ही हल्की सी आवाज़। वह आवाज़ एक बड़े से पेड़ के पीछे से आ रही थी। जब लानवांजी उस तरफ चला और उस बड़े से पेड़ के नीचे जो गुफा बनी हुई थी उसके अंदर देखा तो उसने देखा कि वहाँ पर युआन है कुछ सड़े हुए फल और पानी के साथ। युआन, लानवांजी ने कहा। उसने उसके सिर को प्यार से छुआ। उसने महसूस किया कि युआन तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, उसे तो बहुत तेज़ बुखार है। लानवांजी ने युआन को अपनी गोद में उठा लिया। फिर उसने अपनी तलवार निकाली और उस पर खड़े होकर वह जल्दी से तेजी से गुजू की तरफ बढ़ने लगा। लानवांजी क्लाउड रेसेस में पहुंच गया और बहुत तेजी से चलकर युआन को अपनी बाहों में लेकर मेडिकल रूम की तरफ जाने लगा। उसने मेडिकल रूम में डॉक्टर को ढूंढ लिया और उनसे युआन का चेकअप करने के लिए कहा। युआन का चेकअप करते हुए डॉक्टर ने कहा कि यह बच्चा तो कुपोषित है। डॉक्टर ने युआन के सिर पर एक गीला कपड़ा रख दिया और फिर उन्होंने उसे एक हरे रंग का काढ़ा पिलाने की कोशिश की। वांजी वहीं शांति से खड़ा हुआ था, उसका मन घबराया हुआ था। फाइनली उसके पास अब भी वीइंग का कुछ बाकी है। उसने मन में ये प्रॉमिस किया कि अब युआन उसका है और वह उसे कहीं जाने नहीं देगा। लानवांजी यह सोच ही रहा था कि इतने में डॉक्टर कहती हैं कि अच्छा होगा कि इस बच्चे को होश आ जाए, नहीं तो मुझे नहीं पता कि मैं इस बच्चे को कैसे बचाऊंगी। वांजी ने डॉक्टर की तरफ देखा और फिर उसने युआन की तरफ देखा। उसी समय लान किरान मेडिकल रूम के अंदर आ गए। लान किरान ने कहा कि वांजी तुम कहाँ गए थे, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। और फिर लान किरान ने युआन की तरफ देखा। लान किरान युआन की तरफ बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस नजर से देख रहे थे और तभी लानवांजी उनकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे वो युआन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। लान किरान ने एक इरिटेटेड वॉइस में वांजी से पूछा, यह किसका बच्चा है वांजी? मेरा, वांजी ने जवाब दिया। वांजी, लान किरान ने एक वार्निंग भरी आवाज में वांजी से कहा। मेरा, लान वांजी ने फिर कहा।
लान किरान को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। पहले तो लान वांजी ने जो वॉर में किया वो बिल्कुल ही सही नहीं था, और अब ये, और फिर वह कहीं चला गया बिना उन्हें बताए और एक बच्चा लेकर वापस आ गया, और अब कह रहा है कि यह उसका है। लान किरान ने वांजी को गुस्से से देखा और कहा कि मेरे साथ आओ। वांजी ने युआन की तरफ देखा तो डॉक्टर ने उसे देखते हुए कहा कि मैं बच्चे का ख्याल रखूंगी, और वांजी लान किरान के साथ चला गया। लान किरान और लान वांजी लान किरान के रूम में बैठे हुए थे। लान किरान लान वांजी से कहते हैं कि वांजी, तुम बिल्कुल मेरे बेटे की तरह हो। मैंने कभी भी तुम्हें एक जिम्मेदारी समझकर नहीं पाला, बल्कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा ही माना है। मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि तुम्हारे पिता ने जो तुम्हारी माँ के साथ किया वो तुम ना करो। बेटा, बता दो वो बच्चा किसका है। इस पर वांजी ने कहा कि वह एक वेन है, वह बचे हुए वेन्स के साथ था। लान किरान वांजी की भावनाओं को समझ रहे थे। उन्हें यह भी समझ आ रहा था कि आखिर वह एक बच्चा ही तो है, वे एक बच्चे को तो उस बात की सजा नहीं दे सकते ना जो भी सब हुआ है। इसके बाद लान किरान कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम यही कर, लेकिन याद रखना कि जीवन में हम जो भी फैसला लेते हैं उसका कोई ना कोई परिणाम ज़रूर निकलता है, और तुम अपने उस परिणाम के लिए तैयार रहना। वांजी ने हाँ में सिर हिलाया, उसने बो किया और वह वहाँ से दरवाज़ा लगाकर चला गया। लान किरान अभी भी उस लगे हुए दरवाजे की तरफ देख रहे थे, और वे कहने लगे, ब्रदर, वह बिल्कुल तुम्हारी तरह है। वांजी फिर से मेडिकल रूम में आ गया। ए युआन को अभी तक होश नहीं आया था और वह बेहोश था। वह युआन के पास ही रखे एक स्टूल पर बैठ गया और युआन के छोटे से हाथ को अपने हाथ में ले लिया। फिर उसने युआन के सिर पर रखी हुई पट्टी को छुआ। वह अब थोड़ी गर्म हो गई थी। उसने उस गर्म पट्टी को ठंडी पट्टी में बदल दिया। लान वांजी ने युआन के छोटे से हाथ को अपने हाथ में फिर से लेते हुए कहा कि मैं अब तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। लैनलिंग जिन क्लान में जिन गुशान कहता है कि जीवुजिन, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जीवुजिन जिन गुशान की तरफ देखते हुए कहते हैं, ऑफकोर्स साइक्लीडर जिन। जिन गुशान कहता है कि मैं सोच रहा था कि येलिंग पैट्रियार्क से वांजी काफ़ी जुड़े हुए थे। मैंने सुना है कि वह उनसे मिलने भी गए थे। जीवुजिन, क्या आपको लगता है कि लान वांजी को ये नारायण का इस्तेमाल करना आता है? मुझे पता चला है कि यिलिंग पैट्रियार्क और लान वांजी की उस समय भी काफ़ी बात हो रही थी, जबकि यिलिंग पैट्रियार्क को अपने ही खुद के क्लान से निकाल दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी हंगवन जिन से यिलिंग पैट्रियार्क की काफ़ी बातचीत होती थी। मेरी सेटलीर जियान से बात हुई है, कोई भी उनकी लॉयल्टी पर सवाल नहीं उठा सकता। आखिरकार उन्होंने अपने ही भाई को जो मारा है। लेकिन ना जाने क्यों मुझे अभी भी लगता है कि हंगवन जिन यिलिंग पैट्रियार्क से अभी भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। यह सब सुनकर जीवुजिन काफ़ी शौक हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सेट लीडर जिन आखिर कहना क्या चाहते हैं। उन्हें लग ही रहा था जब ए याओ ने उन्हें वॉर्न किया था। इस सब पर जीवुजिन कहते हैं कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सेट लीडर जिन। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि वांजी मास्टर वे का दोस्त ज़रूर था, और वह उनसे यिलिंग में भी मिला था। लेकिन यह सभी जानते हैं कि वांजी काफ़ी मोरल और ऑनेस्ट है, और उसकी पर्सनालिटी तो हमेशा से ही इंट्रोवर्ट रही है। वह कभी किसी से ज़्यादा बातचीत करता ही नहीं, और आप भी इस बात से वाकिफ होंगे कि वांजी हमेशा ही सही पथ पर चला है। जिन गुशान कहता है कि ऑफकोर्स मैं आपकी बात से सहमत हूँ जीवुजिन, मुझे बस ऐसा लगा कि ये सब जो कुछ भी हुआ कहीं लान वांजी, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ जीवुजिन। न जाने क्यों जीवुजिन को ऐसा लग रहा था
जैसे उसे धमकाया जा रहा हो। फिर जिवुजिन ने कहा कि नहीं, मुझे पता है कि जो भी कुछ हुआ वह सही हुआ, और मुझे यकीन है कि वांजी को भी ऐसा ही महसूस होता है। इस पर सेक्लिडजिन स्माइल करने लगते हैं। फिर सेक्लिडजिन कहते हैं कि हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं तो बस चेक कर रहा था, वो क्या है ना कि हमने पहले ही इतना खून देख लिया है कि अब शायद ही किसी का मन दोबारा कुछ ऐसा करने का हो। जिवुजिन ना चाहते हुए भी मुस्कुराते हैं। वे इस बातचीत को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिवुजिन और जिंगुशान दोनों ही जानते थे कि अभी जो बातें हुई हैं वे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हैं। जिवुजिन सोचने लगे कि अब उन्हें कुछ ना कुछ करना ही हो। उन्हें अब अपने भाई की चिंता होने लगी थी। वे यह नहीं चाहते थे कि किसी को भी ऐसा लगे कि वांजी कल्टीवेशन वर्ल्ड के अगेंस्ट में खड़ा है। उन्हें अपने भाई को बचाना ही होगा। उन्हें अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।